Probability simplified. Now these are the questions which we are going to discuss in this video. They are based on the three types of ball in a bag or in a box, and then based on those criteria we are going to solve few questions. It's a very 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 important concept, and आपको ये concept अगर आप सीख जाओगे तो बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है. Now अगर प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स आपको नहीं पता है, आपने वो वाला वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा है, तो आप यहाँ ऊपर दी गई हुई लिंक से एक बारी वो प्रीवियसली अपलोडेड वीडियो देख लीजिए, जहां पे प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स एक्सप्लेन हुआ है और बेसिक क्वेश्चंस किए गए हैं. तो यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर चैप्टर. नाउ गोइंग अहेड, नाउ Before going ahead, yes, 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 it's not going ahead. Before going ahead, please subscribe this channel if you are new to this channel. Press the bell icon as well so that you will be always notified whenever I post new content. And yes, agar ye video pura dekho aur agar aapko video ye helpful ho, to please press the like button and share with all your friends. Let's go directly to a question. Jot down this question in your book by pausing this video. Think about this question and then go ahead with the solution. A box contains 5 green balls, 4 yellow balls and 3 white balls. Now 3 balls are drawn at random. Matlab in sub total kitne balls hai? How many balls I have in total? It is 5 plus 4, 9 plus 3, 12 total balls I have. Now 12 में से मुझे 3 balls उठाने हैं. किस प्रकार? कि जिससे they are not of same color, वो same color के नहीं हो. They are not of same color. अभी देखो, मतलब कि what is the probability of they being of same color? So probability of all the 3 balls being of same color. तो ये क्या है? तो probability of what? 5 में से कोई भी 3 ball उठाऊं, मतलब all तीनों के तीन ग्रीन है, आउट ऑफ 12 में से कोई भी 3 उठाऊ, ये हो गया. और मतलब समेशन, 4 येलो में से कोई भी 3 उठाऊ, 12 में से कोई भी 3 उठाऊ, एंड फिर आगे बढ़ते हैं, तो 3 में से कोई भी 3 उठाऊ और 12 में से कोई भी 3 उठाऊ. राइट, नाउ सी ओवर हियर, इट इज समथिंग लाइक 5C3 बाय 12C3. So 5 × 4 × 3 × 12 × 11 × 10. 4 × 3 × 2 × 12 × 11 × 10. And 3 × 2 × 1 × 12 × 11 × 10. Now आगे बढ़ते हैं. 5 × 4 = 20, 3 = 60. प्लस 4 × 3 = 12, 2 = 24, प्लस 3 × 2 = 6, डिवाइडेड बाय 12 × 11 × 10. नाउ दिस इज नथिंग बट 90 × 12 × 11 × 10. सो बेसिकली इट शैल बी 3 × 3 = 3, 4 =, सो इट इज गोइंग टू बी 3/44. नाउ ये जो 3/44 है, ये जो 3/44 मिला है मुझे यहां पे, दैट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 3 बॉल्स बीइंग ऑफ सेम कलर, 3/44. बट माय क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट ऑफ सेम कलर, नॉट ऑफ सेम कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ दे नॉट बींग ऑफ सेम कलर, तो वो होगा टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बींग ऑफ सेम कलर.
So total probability is always 1 minus 3 by 44. So मेरा आंसर हो जाएगा 41 by 44 और ये है मेरा आंसर. अगर आपको ये समझ में आ गया है then please type clear है in the comment section so I understand कि आपको ये समझ में आया. अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ रहा है ये step समझने में कि भाई ये क्या लिखा है और उसके ऊपर से ये क्या लिखा है, तो this suggest कि आपको P एंड C का concept नहीं पता है. अगर आपको ये concept नहीं पता है तो please type P and C टाइप कीजिए ये इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मुझे पता चले कि आपको P and C में दिक्कत है, तो मैं इसके ऊपर के कुछ वीडियोस क्रिएट कर पाऊं और आप लोगों को समझा पाऊं. सो लेट्स गो नेक्स्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज जॉट डाउन दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ. पहले सोचिए कि इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे. इस वीडियो को पॉज करके आप जरूर ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. अ बैग कंटेन्स 4 व्हाइट बॉल्स, 5 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लू बॉल्स. 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 3 बॉल उठाए रैंडमली. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ देम आर रेड? All of them are red. अभी सबके सब red कैसे होंगे? तो 5 ये जो red balls हैं, उसमें से कोई भी 3 उठाने का probability is 5c3 by total balls कितने हमारे पास? 6 plus 5, 11 plus 4, 15 balls हमारे पास total हैं. 5 हैं red, तो 5 में से कोई भी 3 उठाएंगे, divided by this is desired output. This is desired output. And total output क्या हो जाएगा? टोटल आउटपुट हो जाएगा 15 में से कोई भी 3 उठाऊंगी वो. सो बेसिकली इट इज व्हाट 5 × 4 × 3 डिवाइडेड बाय 15 × 14 × 13. तो नाउ ये मैं बेसिकली यहाँ पे 3 5 से 15 हटा दिया, ये 2 और ये 7. सो बेसिकली ये आंसर हो गया 2/91. अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्लीज टाइप सिंपल इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इसका सीधा मतलब है कि आपको पी एंड सी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है. अगर ये नहीं पता है तो प्लीज टाइप पी एंड सी इन द कमेंट सेक्शन. हर जगह पे ये यूज नहीं होगा बट इन सब क्वेश्चंस में ये यूज हो रहा है. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज टाइप पी एंड सी. ये एक देख लो जरा, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ट्राई टू सॉल्व इट. अगर आप ये सॉल्व कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो कोई नहीं, मैं अभी सॉल्व करवाने वाली हूँ. यू कैन पॉज दिस वीडियो, सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग. वंस यू आर डन विद दैट, लुक एट द सॉल्यूशन इन डिटेल. ओके, द क्वेश्चन इज इन अ बॉक्स देर आर 8 रेड बॉल्स. चलो अभी 8 रेड बॉल हैं, 7 ब्लू बॉल्स तो 7 ब्लू बॉल्स हैं एंड 6 ग्रीन बॉल्स तो 6 ग्रीन बॉल्स हैं. नाउ 1 बॉल इज पिक्ड एट रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट? सिर्फ एक ही बॉल उठाया है, एक ही बॉल उठाया है. 1 बॉल इज पिक्ड अप रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नीदर ग्रीन नॉर रेड? अच्छा देखो, ये ग्रीन भी नहीं है एंड रेड भी नहीं है, तो इट हैज टू बी ब्लू. तो कितने पॉसिबिलिटीज है? 7 में से कोई भी एक, डिवाइडेड बाय टोटल कितने बॉल्स हैं? दिस इज डिजायर्ड. टोटल कितने बॉल्स है? 7 + 6 = 13, 13 + 8 = 21. टोटल बॉल्स हैं 21, तो 21 C1. तो मेरा आंसर हो जाएगा 7/21 विच इज इक्वल्स टू 1/3.
and this is what is my answer. This is what is my answer. It is so simple, guys. It is so simple. Agar aapko ye simple laga, to please type simple in the comment section. Aur agar nahi samajh mein aaya, to aapko pata hai ki aapko P and C ka concept padhna padega, to type P and C in the comment section, taki mujhe pata chale ki mujhe ye video banana padega. Now, ye question hai aapke liye. Comment your answer for this question in the comment section. In a box, there are 15 red balls, 32 blue balls, and 17 green balls. One ball is picked up randomly. What is the probability that it is being blue? इसकी blue होने की क्या संभावना है? ये है आपका question. ठीक है? इसका answer आप comment section में जरूर लिखें and let me know कि आपको ये video कैसा लगा, आपको ये video में जो जो चीजें सिखाई वो समझ में आई नहीं आई, क्या बात है, कैसे समझ में आई, ये सारी चीजें आप मुझसे share कर सकते हैं through comment section. Oh yes, you've got your question. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज इट इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर आंसर फॉर द क्वेश्चन हियर देयर ऑन द स्क्रीन. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैप्पी लर्निंग.